नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 20 जनवरी से बैंकिंग सेवाएं महंगी हो रही हैं। इसमें कुछ सात चेंजेस होने वाले हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो पहला बदलाव ये होने वाला है कि अब आप सेल्फ चेक से जो है कि 50,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं एक दिन में, और इस 50,000 रुपये निकालने पर भी आपको 10 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और दूसरा है कि आप जो है कि किसी और व्यक्ति को अगर आपने चेक दिया हुआ है, कोई तीसरा व्यक्ति को आपने चेक दे रखा है, तो वो आपके चेक से 10,000 रुपये तक ही निकाल पाएगा। तो चेक देते समय इस बात का ध्यान रखें, किसी अगर थर्ड पर्सन को आप चेक देते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप 10,000 से ज़्यादा अमाउंट ना भरें उसमें। और तीसरा बदलाव होने वाला है 20 जनवरी से, वो ये है कि सेविंग अकाउंट में प्रतिदिन अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ही कैश जमा होगा। और चौथा रूल है कि सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है, तो सेविंग अकाउंट में हम जो 2 लाख रुपए जमा करेंगे, इसमें 50,000 रुपये जो है कि वो फ्री होगा जमा करना। और 50,000 रुपये से हम जितना भी ज़्यादा जमा करेंगे उसमें प्रति हज़ार हमको 2.5 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, 2 लाख तक का डेली का कैश जमा होगा और इस 2 लाख में 50,000 रुपये तक फ्री होगा, और बाकी 50,000 से जितना भी ज़्यादा होगा वो उस पर आपको 2.5 रुपये प्रति हज़ार देने पड़ेंगे। और पांचवा नियम ये बदलाव होने वाला है कि आपको करेंट अकाउंट, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट पे प्रतिदिन 25,000 तक जमा करना फ्री रहेगा। उसके बाद 25,000 से आप जितना भी ज़्यादा जमा करेंगे उससे प्रति हज़ार आपको 2.5 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। छठा बदलाव ये होने वाला है कि अब आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के लिए आपको 25 रुपये सालाना देने पड़ेंगे, जो कि ये सेवाएं पहले फ्री थी। और सातवां बदलाव ये है कि आपको पिन और पासवर्ड के लिए आपको 10 रुपये अब देने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने पिन जनरेट करना है या फिर पासवर्ड लेना है, नया पासवर्ड लेना है या फिर पासवर्ड भूल गए हैं, तो भी जो है आपको 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो 20 जनवरी से ये सारी बैंकिंग सेवाएं जो है कि महंगी हो रही हैं, और इनमें से काफ़ी सारी सर्विसेज पहले फ्री थी लेकिन अब फ्री नहीं रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।